नमस्ते। आज मैं एक वीडियो देख रहा था ट्विटर में, और सब तरफ ये खबर चली हुई है कि इमरान खान जी कह रहे हैं कि वो डिबेट करना चाहते हैं मोदी से। मुझे बड़ी हंसी आई ये सुन के कि एक प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है दूसरे प्राइम मिनिस्टर को डिबेट करनी है। अरे भाई, दुनिया में आज तक कभी ये नहीं सुना मैंने। मुझे ये लग रहा है कि ये भाई अभी तक कंटेनर से नहीं उतरा। जब ये कंटेनर में था तो अपने लोगों को काम नहीं करने दिया, अभी वहां भी तंग कर रहा है। जो देशों के साथ इसके रिलेशन अच्छे थे उनके साथ भी टूट गए, जैसे कि सऊदी अरेबिया था, यूएई था, ये सारी कंट्रीज, उनसे भी नहीं रिलेशन बन रहे। और सारा दिन मोदी को गालियां देता रहता है, आरएसएस को गालियां देता रहता है, और हिंदुओं को बुरा बोलता रहता है। ऐसे जैसे वो बोलता है हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, पहले जैसे बहुत अच्छा चल रहा था, मोदी से पहले पाकिस्तान के बहुत अच्छे रिलेशन थे, अब मोदी के आने के बाद ही खराब हुए। और चार जंगे यहाँ से हो चुकी हैं उससे पहले आपकी आपसे, और अभी तो जंग भी नहीं हुई। और आप वही वही चूर्ण वाला सिस्टम, मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे याद है इमरान को मैं 80s से फॉलो कर रहा हूँ, और इसका जब क्रिकेट खेलता था तब भी पंगा रहता था किसी ना किसी से। मुझे याद है सरफराज नवाज, उसका तो आखिर तक पंगा चलता रहा इसका। कासिम उमर, उसका भी वन डाउन भी आता था, प्लेयर बहुत अच्छा था, छोटा सा था, कद वाला, देखने में वो अफ्रीका का लगता था लेकिन है बहुत अच्छा प्लेयर था। उसके साथ भी इसका पंगा रहता था, वो शायद इस समय ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है। और ये आदमी, मुझे नहीं समझ आ रहा है ये किस क्वालिफिकेशन से इसको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। ये इसकी जुबान और इसके काम आज तक मुझे तो नहीं समझ आए, शायद पाकिस्तानी को समझ आए हुए। मुझे उम्मीद करता हूँ कि ये अपने सारे ऑफिस बंद कर देगा, जो भी है फॉरेन अफेयर्स वगैरह, एम्बेसीज वगैरह, और सब सबसे डिबेट करेगा, और ऐसे इसका पाकिस्तान चलेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी कुछ सजेस्ट करेंगे इसको, इमरान खान को, ताकि ये कुछ बात कर सके, समझा सके इसको। इसको स्कूल भेजो भाई, इसको स्कूल भेजो, इसको पता चले कि क्या होता है, दुनियादारी क्या होती है। ये तो अपने बीवियों के चक्कर से नहीं निकल रहा, एक शादी, दूसरी शादी, तीसरी शादी, इसने यही प्रोग्रेस किया, और कुछ नहीं किया। मैं उम्मीद करता हूँ ये चौथी शादी नहीं करेगा, और यार काम पे ध्यान देगा पाकिस्तान पे, और पाकिस्तान का कुछ भला करेगा, और फिर उसके बाद गालियां बंद करेगा मोदी जी को देनी है, ताकि मोदी जी बात करें। एक तो गाली निकालता है, ऊपर से मान से बात करो, अमेरिका को गाली निकालता है, डॉलर दो, तालिबान से नहीं बात करता, तालिबान से नहीं डिबेट होती इसकी, क्योंकि उनको सिर्फ यही आता है टक 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 टक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे। अगर मेरी को मुझसे कोई गलती हो तो भाई माफ कर दें, इमरान खान जी को भी माफ कर दो भाई, उससे भी बहुत गलतियां हो रही है। नमस्ते।